हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के कितने बजे से? दिन के 2 बज गए हैं और हम जा रहे हैं गांव, यानी कि उत्तराखंड, अपनी देवभूमि में। तो देवभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे हम अभी 4 बजे से, 3, 3:30, 4 बजे। जब भी हमारा मन करेगा हम चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड गए हैं गाड़ी को दिखाने के लिए, मतलब तेल पानी डालने के लिए, हवा पानी दिखाने के लिए। तो अभी आ जाएंगे, जैसे ही आते हैं वैसे हम चलते हैं। और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, 2 दिन से 3 दिन से तैयारी हो चुकी है। देखिए मेरा इतना सामान गाँव जाएगा, ये तो हमारा सूटकेस है, और बाकी मतलब जगह नहीं होने के कारण लेटा रखा है, ठीक है। और ये बाकी ये सामान पूरा गांव जाने वाला है, इतना सारा सामान। और पता नहीं गाड़ी में आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं। एक मेरा भाई भी जा रहा है, राजू, मतलब उसका परिवार जा रहा है, राजू, मंजू और प्रियांश, जिनको आप जानते ही हैं बहुत सारे लोग। तो हम जा रहे हैं गांव, मेरे भाई ने बनाया है घर गांव में, और बहुत सारे लोगों को पता भी है। और तो घर का मतलब गृह प्रवेश भी है, और उसके बेटे का जनेऊ संस्कार भी है। तो हम उसी उपलक्ष्य में घर जा रहे हैं, और आपको गाँव के अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे भाई का गृह प्रवेश कब है बताऊँ? जिस दिन रामचंद्र जी घर आ रहे हैं, मतलब अयोध्या आ रहे हैं रामचंद्र जी, उसी दिन मेरे भाई के घर में भी रामचंद्र जी भी पधारेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे पधारेंगे मेरे भाई के घर में। मेरे भाई का है गृह प्रवेश और जनेऊ संस्कार, सब आपको दिखाया जाएगा विधि पूर्वक, अगर पॉसिबल हुआ तो। गांव जाके तो पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई कब शाम हो गई ना। मैं बनाने की कोशिश करूंगी, भूलूंगी नहीं ब्लॉग बनाने की, आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तो हमें आज का ब्लॉग रहेगा आपके सफर का, दिल्ली टू उत्तराखंड, और हम जा रहे हैं द्वाराहाट, द्वारिका धीस की नगरी में जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही मजा आने वाला है, एंटरटेन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। आपको क्या बताऊं, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं जाने के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार सच में। अपने मायके जाने के लिए कौन नहीं होता ना, मैं भी बहुत हूँ, तो मजा ही आ रहा है कुछ। और कल ले आए हम हीटर, कल बहुत ठंड हो गई थी ना, तो हमारे घर में नया हीटर आ चुका है, ये वाला हीटर अंदर, वो दूसरा हीटर अंदर रख दिया, बिल्कुल नहीं जल रहा था वो। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, जैसे एसी खराब हो जाते हैं ना गर्मियों में, ठंडा है गर्मी करते हैं, कम करते हैं कूलिंग, अभी हो गया था। हम दूसरा ले आए, 2-3 साल चल गया था वो, तो हम दूसरा ले आए कल। ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा हो रहा है, आज तो मौसम अच्छा है, आज धूप आ रही है। तो हम निकलते हैं उत्तराखंड की ओर, हमने निकल चुके हैं उत्तराखंड के लिए, और ये है हमारे सवारी, ये क्या क्या मामा सर, मामा शर्मा ने पापा, पापा को तेरे शर्म आती है क्या कर रहे? ये देखो पहुंच गए हम। तो गाइज हम लोग रामपुर पहुंच गए हैं, बहुत ही ठंड हो रही है। मैंने आपको दिखाया भी नहीं कि हमारी गाड़ी कितनी ठसाठस भरी है, सब फटाफट सामान रखा, तो मैं दिखा भी नहीं पाई। पूरी गाड़ी हमारी पैक है, डिग्गी से लेके सीटों तक सामान भरा पड़ा है, और हमारे पैसेंजर बाहर उतर चुके हैं चाय पीने के लिए, और हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी बज रहे हैं 7:30, पहले पियेंगे चाय। चाय पियेंगे हम साई फैमिली टूरिस्ट ढाबा में, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइज ये है ढाबा जहाँ जाके हम पियेंगे चाय। यहाँ आया है सब, यहाँ शिमला से आया आज, यहाँ इतनी ठंड हो चुकी है, हमको क्या बताएं। तो उत्तराखंड में तो शिमला ही होता है, और इस ढाबे में हम पियेंगे चाय। ये देखो हमारे पैसेंजर। तो गाइज हम पियेंगे यहाँ पर चाय, और ये हमारी टेबल है चाय की, और ये हमारे 2 ग्राहक बैठ गए हैं चाय पीने वाले, और ये आ गए हैं प्रियांश के लिए। लेपिन चले लाए हैं ये, हम हैं चाय के बहुत शौकीन, हम पियेंगे चाय। राजू तू पिएगा चाय किला? तो गाइज ये पीता है ना लाल चाय, तो ये दूध वाली चाय मिलती है यहाँ पर, तो और मैं तो गुड़ वाली चाय पीती हूँ, लेकिन आज मीठी पी लूँगी, कोई बात नहीं। तो इतनी ठंड हो रही है ना गाइज, आपको हमारा एक पहनावा देख के पता लग रहा होगा कितनी ठंड हो रही है, मतलब बहुत ठंड हो रही है। मंजू ने 2-2 स्वेटर पहने, देखो इतनी मोटी जैकेट पहनी है और स्वेटर पहनी है दोनों, और यो अरे कैसे तू तो चाहनी पिएगा ना चाय, हम तो चाय को खाएंगे, हो गया है उत्तराखंड में पता नहीं क्या हो रहा होगा, यहाँ इतना ठंडा हो रहा है। तो गई चाय हमारी हो गई फिनिश, कुल्लड़ में चाय आई थी बहुत ही मस्त वाली, और बहुत कम दी थी चाय यार, हम तो अपने घर में इतने बड़े बड़े बर्तन भर के पीते, चाय तो मस्त थी लेकिन बहुत कम थी। तो चाय हमने पी ली है, अब हम फ्रेश भी हो गए हैं, वॉशरूम वगैरह गए थे, और अब हम निकलते हैं फिर से अपने सफ़र में, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी रामपुर में है तो अब पहुँचने ही, मतलब अभी कहाँ से, अभी तो हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, हल्द्वानी पहुँचेंगे। और ये है हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो रखी है, और हमारी गाड़ी में आप सामान देखोगे ना, मैं आपको सामान दिखाना भूल गई, देखो बस सीट ही सीट छूटी है, बाकी सब बैग भरे हैं।
और डिग्गी तो ऐसे हो रखी, बिल्कुल फुल हो रखी है हमारे सामान से। तो हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हम गाड़ी में फिर से अपना सफ़र करते हैं, कंटिन्यू भी मिलते हैं आपको आगे जाके। तो गाइज फिर से हमारा सफ़र कंटिन्यू होता है उत्तराखंड की तरफ। वो बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है बैग के ऊपर पैर रख ले, क्योंकि हमारी गाड़ी हो चुकी है फुल और सब ने सब पैक हो गया, आपको दिखाई दे रहा है सब। ठंड से एकदम जबरदस्त ठंड हो रही है। ये है हमारे उत्तराखंड का जाने का रास्ता। तो गाइज हम लोग पहुँचने वाले हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी में हम करेंगे डिनर का एंजॉय करेंगे, हम लोग डिनर खाएंगे फर्स्ट क्लास वाला और फिर आपको जाके हल्द्वानी में मिलूंगी। अभी हम हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर है, अभी 20-25 मिनट और लगेंगे और हम मैं मिलती हूँ आपसे हल्द्वानी जाके। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी में। यह है हमारी नगरी उत्तराखंड की महानगरी हल्द्वानी। हल्द्वानी में हमने एंट्री कर ली है और चमचमाती रोड देखो, बिल्कुल 9-10 बज चुके हैं। वो हमारी हल्द्वानी नगरी। अब हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट, तो ठंडी भी है तो हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हो रेस्टोरेंट देखने के चक्कर में ठंडी बियर देख रहे हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट। जैसे ही हमें खाना रेस्टोरेंट मिल जाती है ऐसे ही हम खाना वाना खाते हैं, लंच करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी मैं वहीं पे जाके। तो ये है हमारी हल्द्वानी नगरिया और ये हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही अच्छी ड्राइव करते हैं गाड़ी। एक कैन लिया, कैन छोटी वाली, इन्होंने मंगा दी एक कैन छोटी वाली, पता नहीं कौन सी मंगाई, ये नहीं पता। तुम देखो जुगाड़ भाई, पता लगा आगे चलेंगे कुछ। तुम कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो यार, देख लो तुम जुगाड़ मिल जाएगा। ये जगह गाड़ी खड़ी, जहाँ पार्किंग होती है वहाँ गाड़ी खड़ी करो। मद्रासी मसाला कुछ भी खा लेंगे यार, देख लेते हैं। तो गाइज हम कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं पहले। तो गाइज खाने से पहले हम आ गए हैं फ्यूल डालने के लिए। यहाँ पर डालेंगे हम फ्यूल अपनी गाड़ी में। गाड़ी का पेट पहले भरेंगे कह रहे हैं और अपना पेट बाद में भरेंगे कह रहे हैं। ये है पेट्रोल पंप, ये है भारत पेट्रोलियम। तो हम डाल लेते हैं गाड़ी में तेल, पहले भरेंगे गाड़ी का पेट फिर भरेंगे अपना पेट। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग पैक हो चुके हैं बिल्कुल। मैंने तो नई टोपी भी खरीद ली, देख लो, दिल्ली से लाई हूँ। वैसे मैं टोपी यहाँ से नहीं खरीदी है, लेकिन गांव आने के लिए खरीदी है क्योंकि बहुत ठंड होती है यार। गर्म टोपी लाई हूँ। ये देख रहा है मेरा भाई, देख रहा है कि कितना लीटर चलेगा, 4 लीटर चलेगा, 5 लीटर चलेगा। यहाँ पर पेट्रोल भर रहे हैं हम लोग। मेरे को तो लगी है भूख। मैंने कहा इस गाड़ी में बैठती हूँ ना, मैं गाड़ी में बैठते ही मुझे भूख लग जाती है और मेरा मन खाने को ही करता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ खाने को करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाड़ी में बैठ के उनका मन खाने को नहीं करता है। मेरे साथ जो बैठे हैं इनका मन कर रहा होगा, कुछ बोल नहीं रहे। तेरा मन नहीं करता? तेरा मन करता है? मेरा मन नहीं करता गाड़ी। मेरा मन भी करता है। तेरा मन क्या करता है? खाओ करने को, खाने को करता है। नहीं करता है, झूठ बोल रहा है। कैप हो रहा है, कैप हो रहा है। तो गाइज मेरा भाई बोला ना कैप कैप हो रहा है, तो ये कैप की मीनिंग क्या होती है अगर आपको पता है तो बता देना प्लीज, एक कमेंट कर देना कैप क्या होता है। मैं तो कह रहा नहीं कैप हो रहा है, तूने बोला है कैप हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइज ये है सोना चांदी ज्वेलर्स। तो हम हल्द्वानी में पहुंचे हैं और ये कहां पर है, कौन कौन इसके नियर बाय है जो है, तो वो एक कमेंट करके जरूर बता देना हल्द्वानी वाले। हम हल्द्वानी में पहुंच चुके हैं और होटल की सर्चिंग अभी तक चली रही है, अभी मिला नहीं है हमें। तो गाइज हमको फाइनली रेस्टोरेंट मिल चुका है कोहलीज चिकन पॉइंट पे, हम खाना खाएंगे। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों चीज़ मिलता है। प्रियांश खाने को हो गया आतुर है ना, कह रहा सारा चिकन नहीं खाऊंगा, चिकन ऑर्डर कर दिया उन्होंने, बताओ। तो ये है बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया, डेकोरेशन भी अच्छी हो रही थी यहाँ पर, देखो काफ़ी। अब हम खाना खा लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या खाया, टेबल दिखाऊंगी। अभी तो प्लेट्स लग रही है ना, क्या मोमोज खाने का टाइम है रात के। तो गाइज मैं आपको समय बताना तो भूल गई, रात के बज गए हैं 10:15 हो गए हैं और अपन रोटी खा रहे हैं। लास्ट हम आ चुके हैं काठगोदाम के नियर, बिल्कुल पास में, जो हम घर से लाए थे सब्जी। मैं गटरे की सब्जी लेके आई, मेरा भाई भी आया है गटरे की सब्जी। तो फाइनली गाइज हमारा खाना आ चुका है, खाने में है हमारा अफगानी चिकन और दाल मखनी, चटनी प्याज, ये देखिए रोटी आ रही है। और जब तक रोटी आती है तब तक मैंने सब सबका लिया है, अफगानी चिकन, अफगानी चिकन सबका लिया है सबने। रोटी वाले रोटी दे नहीं रहे, ये देखो अभी रोटी आई नहीं है, सपड़ा सपड़ हो गई है। पंजू बाबा जी कहाँ गए? अब आगे देख पाने रोटी। तो गई हमारी रोटी आ चुकी है, ये अब खाएंगे हम टेस्टी यमी खाना। ये फटाफट ले लिया, ऐसा देखना एक मिनट वो पकड़ ली रोटी। कहाँ गए फुआ जी, बोला ना उनको,
गाड़ी में क्या करेंगे वो? तो गाइस मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो गाइस रोटी नहीं बहुत देर दे रहे, हम कह रहे हैं बहुत खा लेंगे, बहुत भूख लग रही है ना इसलिए। एक तो ठंडी का दिन है, ऊपर से बहुत मुश्किल से रेस्टोरेंट मिला है। तो गाइस हमारा खाना हुआ फिनिश, कैसा लगा मुझे तेरे को खाना? तुम्हें कैसा लगा? लेकिन बहुत महंगा था। तो फिर से आ चुकी है दाल फ्राई इनके लिए गर्मा गर्म, इनको खाने में कुछ टेस्ट सा नहीं आया बोले तो और मंगा दो, तो हमने मंगा दिया दूसरा खाना। और अब हम चलते हैं सफ़र को आगे के कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम लोग खाना खा के आ गए हैं और हम बीच रोड में खड़े हैं। रात के कितने बजे? 11:30 बजे तो रात के 11 बजने वाले हैं और हम लोग बीच रोड में खड़े हैं और हम चलते हैं घर की तरफ को, उत्तराखंड की तरफ को। हम नहीं चलेंगे, ये कह रहे हैं कि थोड़े आराम करेंगे, आगे एक जगह गाड़ी खड़ी करते हैं और एक आध घंटा 2-3 घंटा आराम करते हैं। हम जाएंगे 3 बजे करीब निकलेंगे घर को। और पाला पड़ चुका गाड़ी में, पाला पड़ा है ना गाड़ी में, दिखाती हूँ आपको पूरा। अरे गाड़ी में बहुत पाला पड़ा, हमारी गाड़ी में नहीं पड़ा ना, पीछे वाली गाड़ी में बहुत पाला पड़ा है, पड़ा बहुत ज़्यादा पाला पड़ चुका गाइस, बहुत ज़्यादा। और ठंड इतनी है ना क्या बताऊँ आपको। अब हम गाड़ी में सो जाते हैं और सुबह निकलेंगे 3 बजे। और ब्लॉग की भी एंडिंग यहीं पर कर देती हूँ। दिल्ली से हल्द्वानी का ब्लॉग हो गया ये, उत्तराखंड हो ही गया, मतलब उत्तराखंड में आता ही है। तो कल वाला ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास आने वाला है, उत्तराखंड से जो ब्लॉग आएगा मेरे घर से मेरे मायके से। और यहाँ पर ये फुल खा पी के बिल्कुल सिगरेट विगरेट लेके हो गए हैं तैयार, तिरछी टोपी वाले। तो फिर ये भी कह रहे हैं कि इधर ही लगाते हैं गाड़ी, इधर ही सो जाते हैं मेरा भाई, तो इधर ही गाड़ी लगा के इधर ही सो जाते हैं। कह रहे हैं गाड़ी में बैठेंगे थोड़े आराम करेंगे, क्योंकि अभी रिस्की मामला है आगे को जाना ना, डर लगती है रात में। तो फिर जैसा भी करेंगे फिर। और ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले दिन अगले ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।